हेलो एवरीवन मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वेयर टू बाय लैपटॉप्स इन जर्मनी तो अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जर्मनी से लैपटॉप खरीदना है या फिर इंडिया से लैपटॉप खरीदना है या फिर आप ऑलरेडी जर्मनी में हो और आपको जानना है कि लैपटॉप कहाँ से खरीदें या फिर अगर आपको सी अपना खरीदना है तो वो कहाँ से ले तो इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इन केस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं पोस्ट करती रहती हूँ और इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि आगे चल के मैं तीन टिप्स शेयर करने वाली हूँ कैसे आप एक स्मार्ट बायर बन सकते हैं और थोड़े छोटे मोटे पैसे बचा सकते हैं अपनी चीजें खरीदने में सो so, इस क्वेश्चन का आंसर कि लैपटॉप जर्मनी में आके खरीदें अगर स्टूडेंट्स या वर्किंग uh, एम्प्लॉयज आ रहे हैं जर्मनी में मूव कर रहे हैं या फिर वो इंडिया से लेकर आए तो एक सजेशन मेरा सबसे पहले ये रहता है कि आपने जो लैपटॉप सेलेक्ट किया है उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इंडिया में कितने का मिल रहा है और फिर वो यहां पे कितने का है तो अभी जो मैं वेबसाइट बताने वाली हूँ उन पर आप अपने कंप्यूटर मतलब उनको आप चेक कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं उनकी वैल्यू कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि जितने भी यूरोज़ का यहाँ पर मिल रहा है वो आई में कितने का पड़ रहा है कुछ कुछ ऑप्शन ये होता है कि जर्मनी में कई बार स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाता है या फिर जो शॉप्स हैं उनमें थोड़े बहुत डिस्काउंट चल रहे होते हैं तो आपको मिल जाते हैं अदरवाइज़ इंडिया जैसा मुझे थोड़ा ऐसे मिसिंग लगती है चीज़ें कि कोई बैंक कार्ड ऑफर्स नहीं आते यहाँ पे और ज़्यादातर हम पुराने लैपटॉप को एक्सचेंज कर देते हैं बहुत ही ईजिली फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे इंडिया में यहाँ पे वो हल्का सा थोड़ा मुश्किल होता है बहुत ही कम ऐसे ऑप्शन है बहुत ही कम ऐसी वेबसाइट है जो आपसे बस ऐसे सेकेंड हैंड मतलब पुराने आपके प्रोडक्ट ले लेती है अदरवाइज ऐसे एक्सचेंज का बहुत कम ऑप्शन मिलता है आपको तो उस हिसाब से आप पूरा इवेलुएट कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ़ाइनल प्राइस जो आपको लैपटॉप का पड़ रहा है वो इंडिया में सस्ता पड़ रहा है बेटर पड़ रहा है या फिर वो जर्मनी में बेटर पड़ रहा है अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो मैंने एप्पल प्रोडक्ट्स को देखा है कि वो यहाँ पर थोड़े सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू इंडिया में जो कॉस्ट चल रहा होता है बाकी जो दूसरे लैपटॉप हैं एच हो गया लिनोवो हो गया या फिर एम का हो गया तो उनमें मॉडल पे भी कई सारे जितने वेरिएंट्स होते हैं उन पे भी डिपेंड करता है और अगर थोड़ा पुराना हो जाता है तो कई बार यहाँ पे कम सस्ता मिल जाएगा और कई बार ये भी होता है कि ऑफ़र इंडिया में बेटर मिल रहा है तो इंडिया में सस्ता मिल जाएगा तो आप ये देख लीजिए आपको कौन से स्पेक्स का लैपटॉप ख़रीदना है और फिर छोटी सी मतलब पंद्रह बीस मिनट की सर्च कर लीजिए कंपेयर कर लीजिए प्राइसेस एंड देन आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा सो so, जर्मनी में अगर ऑफलाइन स्टोर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे सैटर्न एक इलेक्ट्रॉनिक चेन है और एक पॉपुलर है मीडिया मार्क्ट तो इन दोनों में जाके कई सारे लैपटॉप्स वहाँ पे डिस्प्ले में रहते हैं आप जाके चेक कर सकते हैं कि स्टोर में कौन कौन से अवेलेबल हैं एंड उनका प्राइस क्या है कोई ऑफर है या नहीं है और कुछ कुछ आल डी और लिडल में जो कि जर्मन सुपरमार्केट है कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स आए रहते हैं उनके सुपरमार्केट में अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि आल और लिडल की आप ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे किसी लैपटॉप पे कोई ऑफर आया है या नहीं आया है बट ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स नहीं है आपको हमेशा कोई डिस्काउंट या सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे कुछ कुछ कभी कभी मिल सकता है तो वो आप एक बार कंसिडर ज़रूर करिएगा यहाँ पर लेने से पहले तो ये रहा पूरा ऑफलाइन मार्केट का रेंज और मैं ऑफलाइन कम खरीद ख़रीदती हूँ मैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो ऑनलाइन से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप अगेन साटर्न देख सकते हैं मीडिया मार्क देख सकते हैं आप अमेज़ोन डॉट डी ई देख सकते हैं जैसे इंडिया में अमेजोन डॉट आई एन चलता है वैसे यहाँ पे आप अमेजोन डॉट डी ई पे चेक कर सकते हैं और अगर आप अभी इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इंडिया में कंपेयर करना है तो आप वहाँ पर अमेजोन ओपन कीजिए अमेज़ोन डॉट आई एन और जर्मनी का अमेजोन देखने के लिए अमेजोन डॉट डीई वहां पर जाके आप प्रोडक्ट अपना डालिए और आप उसका प्राइस चेक कर लीजिए यूरोज में कितने का पड़ रहा है तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं तो ऑनलाइन ही आपको एक स्टोर मिलेगा ओटो ओटो पे भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स अवेलेबल हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और एक जो पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है इडियालो वो कंपैरिजन वेबसाइट है तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रोडक्ट लेना है मैकबुक प्रो M2 जो लेटेस्ट सीरीज़ आया है तो वो आप ई e पर पे डाल लेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे सेलर्स लिस्ट आउट करेगा और उनका प्राइस क्या चल रहा है हर सेलर मतलब कोई कुछ डिस्काउंट दे रहा है कि कोई नहीं दे रहा है ऐसे करके आप 10-15 सेलर्स की लिस्ट देख सकते हैं और वहाँ पे ई e पे एक बेनिफिट ये मिलता है कि वहाँ पर प्राइस का एक ग्राफ आपको देखेगा जिसपे आप अपना अलार्म सेट कर सकते हैं कि अगर प्राइस इस रेंज पे आए यहाँ पे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर उन सेलर्स में से कोई भी सेलर अपना प्राइस रिड्यूस करता है फॉर एग्जांपल कई बार डिस्काउंट चल रहा होता है कई बार सीजनल ऑफर्स आते हैं तो जो हज़ार यूरो का प्रोडक्ट है वो 950 का कभी गया था मतलब फेब में बट आपको देखना है कि वो अभी वापस से हज़ार का हो गया है बट आप सोच रहे हो कि मे बी कुछ दिन बाद ये वापस से कम हो जाए कुछ ईस्टर में या फिर कुछ उसके बाद कुछ ऐसा कुछ ऑफर आ जाए तो आप अपना प्राइस डाल के उस पर सेट कर सकते हैं एंड देन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका प्राइस उस प्रोडक्ट का इतना पहुंच गया है सो so इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं तो so, एक बहुत ही छोटा मैं एग्जाम्पल देने वाली हूँ और मैंने सोचा क्या स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ ऐसे शो कर देती हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट लिया है उस प्रोडक्ट का जो मॉडल सेलेक्ट किया है वो है एम एस आई कटाना जी एफ सिक्स सिक्स और ये एक कॉमन अभी लैपटॉप चल रहा है जो कि पॉपुलर में मुझे दिख रहा था अब इसका प्राइस मैंने देखा कि साटन पे कितने का है साटन पे ये है वन टू नाइन नाइन यूरो और जब आप यही लैपटॉप Amazon डी पे देखते हो तो ये मिल रहा है यहाँ पे वन वन सेवन नाइन यूरो का और जब आप इंडिया में कंपेयर करोगे तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो है वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी बट अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा है तो ये एक लाख पाँच हजार का मिल रहा है और इन तीनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि जर्मनी में लेना एक हजार कुछ सस्ता पड़ रहा है अभी इस मॉडल को कंपेयर टू इंडिया में तो so, लैपटॉप की तो बात हो गई इन केस अगर आपको सी चाहिए या फिर आप अपना गेमिंग सीपीयू सेटअप करना चाहते हैं अपना पूरा पी सेटअप करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि असेंबल कैसे करवाएं अगर आप खुद असेंबल कर सकते हैं तो मैं आपको वेबसाइट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप वहाँ पे जाके अपने कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं एंड देन खुद से असेंबल कर सकते हैं बट अगर आप नहीं कर सकते और आप चाहते हैं ऑर्डर प्लेस करना कि कोई आपके अपने स्पेक्स के हिसाब से आप अपना सी पी यू बनाएं एंड देन वो डिलीवर हो जाए फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो सी पी यू अभी आप देख रहे हैं और इसके लिए जो एक वेबसाइट मैंने यूज़ की हुई है और वापस से ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है वो है वेबसाइट का नाम है डुबारो डॉट डी ई वहाँ पर जाके आपको जैसा भी अपना सी पी यू सेटअप करवाना है अपने कॉम्पोनेंट्स अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं सो so, दोबारो के साथ साथ अगर आपको कॉम्पोनेंट देखना है और और वेबसाइट जाननी है तो एक ऑल्टरनेट डॉट डी ई करके भी वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं एंड डुबारो मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं पता चली थी हम जो है देख रहे थे एक्सप्लोर कर रहे थे माई डील्स तो माई डील्स क्या है ये एक वेबसाइट है जिसपे हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लिस्टेड रहते हैं लोग लिस्ट करते हैं जिन पे डिस्काउंट चल रहा होता है तो वहाँ से हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम वहाँ से एक्सप्लोर करते हुए पहुँचे थे डुबारो की वेबसाइट पे तो अगर आपको कंपोनेंट भी देखना है इंडिविजुअल तो वो आप डील्स पे भी चेक कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आप डुबारो पे जैसे मैंने बताया एंड थर्ड वेबसाइट जो बताई ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट डॉट डी सो मैंने जो सी पी असेंबल करवाया है वो उसका जो कॉस्ट पड़ा मुझे वो मैं बता देती हूँ वो पड़ा है वन यूरोज एंड थर्टी सेंट्स तो इतने का मेरा ये सी पी यू पड़ा और इसकी अगर आपको स्पेक्स देखना है तो वो भी मैं स्क्रीन पर डाल देती हूँ और परफॉर्मेंस वाइज तो ये बढ़िया चल रहा है और और उससे ज़्यादा तो मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊँगी सर so, इस सी पी यू के साथ दो साल की गारंटी भी आई थी और मुझे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी बतानी थी कि जर्मनी में एक दूसरा कीबोर्ड चलता है जैसे इंडिया में हम क्वर्टी कीपैड यूज़ करते हैं वैसे यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो क्वर्ज है तो अगर आपका मेरे ख्याल से प्रेफरेंस तो नहीं पता पहले मेरी भी प्रेफरेंस क्वर्टी थी बट अब धीरे धीरे काम करते करते क्वर्ज पे ही हाथ बैठ गया है तो अब मुझे जर्मन स्टाइल कीबोर्ड ही सूट करता है सो so, अब बारी आती है टिप शेयर करने की मैंने बातों बातों में एक टिप अपनी पहली शेयर कर दी जो कि इडियालो की थी इडियालो पे प्राइस कंपैरिजन वाला फ़ीचर आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे अपना नोटिफिकेशन भी सेट कर सकते हैं अलार्म सेट कर सकते हैं कि इनकेस आपका प्रोडक्ट कम होता है तो फिर आपको पता चल जाए ये मेरी पहली टिप थी सेकेंड टिप मेरी ये है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो तो कुछ ऐसे प्लगइन्स अभी मुझे पता चले हैं जैसे शूप तो इसको मैंने क्या किया है कि क्रोम पे इंस्टॉल कर लिया है और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि कैशबैक देते हैं तो फॉर एग्जांपल अभी शूप मैंने ऑन किया और कुछ दिन पहले मैं जो ड्रायर चाहिए था हेयर ड्रायर तो वहाँ पे गैलेक्सिस पे मैंने देखा जो प्रोडक्ट मुझे लेना था गैलेक्सिस भी एक ऐसी वेबसाइट है वहाँ पे सस्ता मिल रहा था तो शॉप में जाके मुझे पता चला कि गैलेक्सिस एक ऐसी शॉप है जो कि आप अगर एक्टिवेट कर लेते हैं इसका कूपन तो आपको कुछ कैशबैक मिल जाएगा तो ऐसे करके मैंने दो बार यूज किया और कुछ दस यूरो कैशबैक मुझे अभी मेरे वॉलेट में दिख रहे हैं अभी मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया है और मुझे अभी रूल भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि उसको विड्रॉ करने का क्या है बट कुछ भी सेव हो जाए तो वो अच्छी बात है सो थर्ड और लास्ट टिप मेरी ये है कि जब आप अमेज़ोन से शॉपिंग करते हो जर्मनी में तो वहाँ पर अमेज़ॉन वेयरहाउस डील्स आती हैं तो इसको आपको तुरंत देखने के लिए आप कीवर्ड सर्च बार में जाके लिख सकते हैं अमेज़न की वेबसाइट पर अमेज़न वेयरहाउस डील्स एंगेबोट आपके सारे प्रोडक्ट्स जो डिस्काउंट में चल रहे होते हैं वो दिख जाते हैं अब उसमें होता क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ख़रीदता है फॉर एक्ज़ाम्पल मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा अब उस प्रोडक्ट को मुझे रिटर्न करना है मतलब मुझे नहीं पसंद आया फॉर सम रीज़न और यहाँ पे जैसे रिटर्न करने का आपके पास थर्टी डेज पीरियड तो रहता ही है और आपने उसको एक हफ्ते बाद रिटर्न कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए अब क्या होता है कि जब ये प्रोडक्ट पहुँच जाता है उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ डिफेक्ट होता है तो वो अमेजोन जो है उसको सही कर देता है एंड देन उसको वेयरहाउस डील में वो निकालता है कभी थर्टी परसेंट डिस्काउंट में कभी फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट में मतलब रिड्यूस्ड प्राइस पे बट उसकी वारंटी जो रहती है उस प्रोडक्ट की वो पूरी मिलती है जैसे मैंने अगर कोई ईयर हेडफोन लिया और वो हेडफोन मुझे सौ यूरो का पड़ा था बट मुझे पसंद नहीं आया मैंने उसे रिटर्न कर दिया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर मुझे इसका या फिर चल नहीं रहा है ये तो मैंने इसको रिटर्न किया और मुझे मुझे मेरे हंड्रेड यूरो वापस आ गए तो जब ये अमेजोन के पास पहुंचा, अमेजोन क्या करेगा उसको अगर वो बना सकता है तो उसको बनाते हैं फिर वो और उसको वेयर हाउस डील में डाल देते हैं फॉर मान लीजिए सिक्सटी यूरो या फिर सेवेंटी यूरोस। तो जब आपको ये प्रोडक्ट आप ओपन करते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये लाइक न्यू है या फिर वेरी न्यू है या फिर वो यूज्ड है कई बार होता है कि आपने पुराना सामान दे दिया कुछ स्क्रैच पड़ गया या फिर कुछ हो गया और आपने रिटर्न कर दिया तो वहाँ पे वो भी लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा स्क्रैच है तो ये पूरा जर्मन में लिखा रहता है बट आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती है तो अगर आपको ये छोटे मोटे स्क्रैच से प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं ऐसे और जो है कई बार ऐसा होता है कि उसमें लिखा रहता है कि प्रोडक्ट इज़ वेरी न्यू बट वो ओरिजिनल पैकेजिंग में नहीं है बट हम आपको इसकी जो वैलिडिटी है दो साल की वारंटी है वो दे रहे हैं तो ये भी एक अच्छी डील है तो ये आप चेक कर सकते हैं और अगर आपको डायरेक्टली वेयरहाउस डील में सेक्शन में से नहीं जाना है तो कई बार अगर आप नॉर्मल शॉपिंग भी कर रहे होंगे तो राइट right में एक ऑप्शन आता है सोल्ड बाई अमेजॉन वेयरहाउस का उससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है या तो किसी ने रिटर्न किया हुआ है और ये यूज्ड गुड है और उस पर उसका स्टेटस भी लिखा रहता है तो आप ये भी खरीद सकते हैं सो so, मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि जितनी भी मैंने वेबसाइट्स अभी आपसे शेयर की है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ वहां से आप चेक कर लीजिए बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लिख के जरूर बताइएगा और सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग बाय